भाई देखो, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ गए होंगे। अपनी साइकिल को बाहर निकाल लिया, अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो जो कोई भी सऊदी अरब हाउस ड्राइविंग के लिए आना चाहता है उनके लिए वीजा अवेलेबल है। उधर का खाना खा लिया, उधर का खाना खा लेके अभी जा रहा हूँ मैडम के पास। हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद अंदर एंटर करेंगे। क्या काम करते हैं? ड्राइविंग काम करते हो। अभी मैडम को लेके आए हो या मैडम को लेकर? यहाँ की एंट्री है ना बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ वहाँ पे पूछा टिकट वगैरह या कुछ पैसा लगा? कुछ भी नहीं भाई, एकदम फ्री है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी मैं नहा धो के रेडी होकर बैठा हुआ हूँ और मैडम का कॉल आया था, बोला कि 12:40 पे घर पे आने के लिए ड्यूटी को जाना है। कहाँ जाना है ये नहीं बताया, जाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ऊद को जलाया हुआ है और यहाँ पे देखिए इसमें आग है, आग को जला के, यानी कि ये आता है रेडीमेड आता ही है। ये देखिए ऐसा वाला, इसको आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा आता है, इसको आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद ऊपर जो है ऊद रख देते हैं और धुआं देखिए कैसा आ रहा है। अभी इंतज़ार है नमाज के वक्त का, जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो नमाज को जाएंगे। नमाज को जाके आने के बाद ड्यूटी जाने की तैयारी करना रहेगा। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नमाज को जाने के टाइम पर। फ्रेंड्स अभी वक्त हो चुका है नमाज का, तो अभी निकल रहे हैं नमाज के लिए। सारे लोग जो है नमाज के लिए अभी निकल रहे हैं और अभी अभी जो है अजान हुई है। अभी दोस्त बोल रहे थे कि अवेदा मस्जिद को जाते हैं बोल के, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नहीं अवेदा मस्जिद को जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग मस्जिद के पास आ गए, तो चलिए पहले जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ लिया, जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेके बाहर निकला हुआ हूँ। बस देखिए सारे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ से घर जाऊँगा, घर जाने के बाद जो है अपनी साइकिल को जो है लेके मैडम के घर के पास जाऊँगा और गाड़ी चालू करूँगा, फिर ड्यूटी जाना रहेगा। देखते हैं मैडम को कहाँ जाना है। और सब लोग बोलते हैं कि हाउस ड्राइविंग पे कैसा काम होता है बोल के। देखो जुम्मा हफ्ता कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, जुम्मा हो यानी कि हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, 7वें दिन हम लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होती है, जुम्मा के दिन भी काम रहता है। ठीक है, किसी को असर के बाद शुरू होता है काम, किसी को सुबह में चालू हो जाता है। बोल नहीं सकते कि कब आपको काम आ जाएगा बोल के, यही होता है हाउस ड्राइविंग का काम। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग घर के पास आ गए हैं और अभी मेरे को है ना ड्यूटी के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं और मेरे को 10 मिनट में वहाँ पे मैडम के घर के पास पहुँचना रहेगा। घर आने के बाद जो है देखिए अपनी साइकिल को बाहर निकाल लिया, अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो चलिए देखते हैं मैडम को कहाँ जाना है, आप लोगों को बताते हैं जाने के बाद। फ्रेंड्स अभी मैं घर के पास आ गया हूँ और ये देखिए साइकिल को मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर अभी जो है गाड़ी में रख दिया। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:39 हो रहे हैं और मैडम ने कहा था 12:40 पर आने के लिए। देखिए 1 मिनट बचा हुआ है अभी, बस अभी मैडम आएंगे। मैडम आने के बाद मैडम को यहाँ से लेके जाना रहेगा। फ्रेंड्स अभी मैडम को लेके आके छोड़ दिया हूँ। कहाँ पे लेके आके छोड़ा हूँ, सलोन अजीजिया सलोन में लेके आके छोड़ा हूँ। और रास्ते में आते आते मैडम जो है स्टारबक्स से जो है कॉफी लेके आए अपने लिए और अभी यहाँ पे इंतजार करना रहेगा। मैडम ने बोला कि ज्यादा लेट नहीं होगा, तो मेरे को यहाँ पे इंतजार करना रहेगा, जब मैडम निकलेंगे तब लेके जाना रहेगा। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:06 हो रहे हैं अभी। और जो कोई भी सऊदी अरब हाउस ड्राइविंग के लिए आना चाहता है उनके लिए वीजा अवेलेबल है, फ्रेश के लिए और रिटर्न के लिए। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ड्राइवर को छुट्टी मिलती है क्या, नहीं मिलती है करके बोल के। भाई देखो, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ गए होंगे, जुम्मा के दिन दोपहर में 1 बजे जो है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो हाउस ड्राइवर को जो है, जो भी हाउस ड्राइविंग पे आना चाहता है उनको ड्यूटी कब लगेगी पता नहीं चलेगा। ज्यादातर जो है असर के बाद ड्यूटी लगती है और किसी किसी को थोड़ा पहले लग जाती है। मेरे को ज्यादा टाइम जोहर में नहीं लगती है, ज्यादातर मेरे को असर के बाद ही लगती है। आज मेरे को यानी कि दोपहर में लग गई है ड्यूटी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इंतजार करते हैं यहाँ पर मैडम का, मैडम जब निकलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा और जो कोई भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी मैडम का कॉल आ चुका है, बोला कि गाड़ी नजदीक लेने के लिए। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी ठीक 2:30 बज रहे हैं
तो चलिए पहले लेके जाके मैडम को छोड़ देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैडम को घर पे लेके आए, घर पे लेके आके छोड़ दिया। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:48 हो रहे हैं अभी। और मैडम उतरने के टाइम कोई ड्यूटी का कुछ बताया नहीं है, अगर किसी का कॉल आएगा तो जाना रहेगा। अभी चलिए यहाँ से खाना लेते हैं, खाना लेने के बाद घर को जाते हैं, खाने में क्या आया हुआ है आप लोगों को बताते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पर, अपने घर के पास, रूम के पास। तो आइए देखते हैं खाने में क्या आया हुआ है, आप लोगों को भी एक बार दिखाते हैं। देखिए जी खाने में क्या आया हुआ है, चावल आया हुआ है। चावल में अंदर क्या है अजीम भाई, एक बार थोड़ा ऐसा ये करो, सिर्फ चावल है। एक काम करो, डालो। अरे गाली नहीं है, मटन है। माशाल्लाह मटन आया हुआ है आज। और कौन सा सूप है बताओ पहले, जल्दी अजीम भाई जल्दी बताओ। हाँ नहीं, पालक का है, आज भी पालक का सूप आया हुआ है। परसों भी पालक का आया हुआ था और आज भी पालक का सूप आया हुआ है। देखिए माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सूप होता है भाई, पीने के लिए ना ज़बरदस्त होता ही है। और देखिए और दूसरा क्या आया हुआ है ये दिखा देता हूँ। अंडा आया हुआ है और फ्रूट में क्या आया हुआ है, मौज आए हुए हैं, ठीक है। और साथ में देखिए सलाद भी आया हुआ है, ठीक है आज। तो आइए फ्रेंड्स जल्दी से अभी खाना खा लेते हैं। जैसे मैं खाना लेके आया फ्रेंड्स, मैडम का कॉल आया, बोला कि 3:40 पे घर के पास आने के लिए। तो देखिए जुम्मा को कैसी ड्यूटी लग रही है मेरे को। तो अभी जल्दी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ड्यूटी को चलते हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:02 हो रहे हैं अभी। दोपहर का खाना खा लिया, दोपहर का खाना खा लेके अभी जा रहा हूँ मैडम के घर के पास। और देखिए 3:40 हो रहे हैं अभी, अभी मैडम के घर के नजदीक आ गया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं मैडम को कहाँ जाना है, बताया नहीं था, बस टाइमिंग बताया था इतने बजे घर के पास आना बोल के। अभी घर के पास आ गया हूँ, मैडम को लेते हैं, लेके जाने के बाद आप लोगों को बताते हैं कि मैडम कहाँ आए हुए हैं बोल के। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैडम को लेके आके छोड़ दिया हूँ। कहाँ पे लेके आके छोड़ा हूँ, वॉलीबॉल वार्ड में लेके आके छोड़ा हूँ मैडम को। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:41 हो रहे हैं अभी। लगभग 1 घंटा से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में मेरे को ट्रैफिक मिल गई थी और मैडम बोले कि यही गेट से निकलेंगे बोल के, बवाबा एक से निकलेंगे बोल के बोले, यानी कि गेट एक नंबर से निकलेंगे बोल के बोले। मैं बोला ठीक है, आप मेरे को एक 15-20 पहले कॉल कर देना। अभी यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता, यह है वॉलीबॉल सिटी, ये वॉलीबॉल वार्ड बोल के, तो यहाँ पे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो है टिकट लगती है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। यहीं पे सामने है ना बॉलीवुड सिटी बोल के है, तो वहाँ पर आपको जाके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर अभी मैडम गए हुए हैं, मेरी टिकट मैंने लिया नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी नहीं जाऊँगा। और इस तरफ देखीजिए, यहाँ पर जो है बॉलीवुड सिटी है और यहाँ पर जो है फ्री एंट्री है, टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए। अभी मेरे को यहाँ पर वेटिंग करने से अच्छा है कि मैं बॉलीवुड सिटी में जाऊँ, अंदर जाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ और मेरा टाइम भी चला जाएगा और मेरे को यहाँ पे वेटिंग भी करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आप मैडम को बताओ, क्योंकि टिकट जो है अंदर की फ्री है, तो आप भी जाओ घूमो। मैं सबको यही बोलता हूँ यार, आप गाड़ी में बैठते हो, वेटिंग करते हो, क्या फ़ायदा है मोबाइल देख ले के अपना टाइम वेस्ट करना। आप घूमोगे तो आपका भी माइंड फ्रेश रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा घूमने फिरने से। तो इसीलिए मैं सबको यही राय देता हूँ, जहाँ भी मैडम जाएंगे, मॉल को जाएंगे या कहीं जाएंगे, अगर वहाँ पे आप लोगों को पता है फ्री टिकट मिल रही है, तो जाओ घूमो, यही अच्छा रहता है, वेटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक देखिए कितनी है, और वहाँ पे बॉलीवुड सिटी के पास जो है पार्किंग वहाँ पे फुल हो चुकी है और अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं और देखिए कितनी ट्रैफिक है। अभी अभी शाम होना बाकी है और वॉलीबॉल वार्ड में भी लगभग अभी देखिए यहाँ पर भी पार्किंग फुल होने लगी है। अभी यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे जगह है, यहाँ पर खाली है। अभी थोड़ी देर के बाद है ना, वहाँ पर भी गाड़ियाँ ना पूरा फुल हो जाएंगी। उसके बाद लगभग 6:30-7 है ना, इतनी ट्रैफिक रहेगी यहाँ पे, जाने के लिए जगह नहीं होगी। और यहाँ से मैडम निकलेंगे, कितने टाइम पे निकलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और घर पर हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रैफिक में मैं कितना फंसा हुआ था, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अभी है ना हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए अभी हम लोग चेकिंग के एरिया में आ गए, यहाँ से चेकिंग करने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वो हम लोगों को एक बार चेक कर लेगा। तो हमारी चेकिंग हो गई है, चेकिंग होने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप सब लोग। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह है, मैं आप लोगों को अंदर जाने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अंदर आने के लिए ना कुछ टिकट बुक करने की ज़रूरत है, ना कुछ टिकट लेने की ज़रूरत है, फ्री एंट्री है भाई, फ्री है, एकदम फ्री, ठीक है।
कोई आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कोई टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम फ्री है। ठीक है, आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद घूमिए। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर से? इंडिया से। इंडिया से कहाँ पे? इंडिया में यूपी नखलाऊ। यूपी नखलाऊ, आपका नाम क्या है? निशान। निशान, क्या काम करते हैं? ड्राइविंग। ड्राइविंग काम करते हो, अभी मैडम को लेके आए हो या अभी आए? मैडम को ले। कहाँ पे? यहीं पे आए मैडम। हाँ माशाल्लाह, सही है। देखिए, मैं भी ये आप लोगों से यही बात बोलता हूँ, ये भाई साहब यूपी से हैं और ड्राइविंग का काम करते हैं। और देखिए, अंदर आने के बाद ये घूमे, गाड़ी इधर ही पार्क की है ना? हाँ, आप हाँ देखो, मैं यही बोलता हूँ, जो भी ड्राइवर आते हैं ना, गाड़ी में बैठ के मोबाइल चलाने से अच्छा है आप अंदर आओ, अंदर आने के बाद घूमो फिरो। यहाँ की एंट्री है ना बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ वहाँ पे पूछा टिकट वगैरह? कुछ भी नहीं, एकदम फ्री आप लोगों को है ना? कुछ टिकट के बारे में पूछा या कुछ पैसा लगा? कुछ भी नहीं भाई, एकदम फ्री है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बोले आपका? निशान। बहुत बहुत शुक्रिया, चलो ठीक है, आइए अंदर आइए, घूमते हैं। एक आदमी और चलें। ठीक है, ओके। तो यही बात है फ्रेंड्स, आप लोग अंदर आके है ना अच्छे से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गया, अंदर आने के बाद पूरा एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस ब्लॉग में जो है आप लोगों को बॉलीवुड सिटी का कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, इंशाल्लाह अगला वीडियो जो है बॉलीवुड सिटी का होगा। तो यहाँ पे कितनी खूबसूरत जगह है और कैसा क्या क्या रखा हुआ है पूरा उसमें आप लोगों को नज़र आएगा। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करें तो फ्रेंड एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं होता, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं, मैडम का इंतज़ार करते हैं, जब मैडम का कॉल आ जाएगा तो बाहर जाएंगे। अभी देखो, मैं सूरज दिख रहा था जब मैं अंदर आया था, लेकिन अभी सूरज ढल चुका है, अभी भी मैं घूम रहा हूँ। तो चलिए, जैसे मैडम कॉल करेंगे तब मैं आप लोगों को बाहर जाने के बाद बताता हूँ कि मैडम कब निकल रहे हैं बोल के। फ्रेंड्स, मैं अंदर आया बॉलीवुड सिटी के, उसके बाद अभी जो है मैडम का कॉल आ चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:06 हो रहे हैं अभी, और लगभग मैं यहाँ पर आया था 4:45 पे। 2 घंटे के ऊपर जो है मैं यहाँ पर अंदर घूमा, घूमने के बाद अभी जा रहा हूँ। तो चलिए जाकर एक बार आप लोगों को गाड़ी में टाइम बता देते हैं, उसके बाद मैडम को लेके घर पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए केबल कार लगाया हुआ है, ये आती है बॉलीवुड सिटी को, यहाँ पर स्टेशन है, उसके बाद फिर जाती है बॉलीवुड वार्ड पे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को टिकट लेना पड़ता है, टिकट है लगभग 30 रियाल कुछ हम लोगों को चार्ज करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए। देखिए जी, हम लोगों को है ना, मैं यहाँ से जा रहा था, अभी एक सब्सक्राइबर मिल गया भाई, मालूम हिंदी हिंदी बोलते है कि हिंदी समझ में नहीं आती है, लेकिन देखेगा। सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ के लोग है ना सच में बहुत ही जबरदस्त है। और देखिए, जो कोई भी मेरे को देख लेके जा रहा है सही में बोल रहा है हाय हेलो ऐसे बोल के जा रहे हैं। और माशाल्लाह अभी जो है यहाँ पर ट्रैफिक देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं भाई, यहाँ से लेके फुल ट्रैफिक मिलेगी आपको, ये देखिए फुल ट्रैफिक मिलेगी। अभी अभी जैसे जैसे शाम होने लगेगी ना, वैसे वैसे ट्रैफिक है ना बढ़ने लगेगी। ये देखिए, ये सारी गाड़ियाँ अभी एंटर कर रहे हैं भाई, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:15 हो रहे हैं, और गाड़ी अभी भी देखिए फुल होने लगी हैं, और कितनी ट्रैफिक है। अभी मेरे को थोड़ा और पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और देखिए उस रोड पर, देखिए उस रोड से मेरे को जाना रहेगा, और उसी रोड पर देखिए कितनी ट्रैफिक जमी हुई है। ओ भाई साहब थक गया, जल्दी जल्दी आया हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं गाड़ी में आके पहुँच गया हूँ, और गाड़ी को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चालू कर दिया है। और अभी क्या टाइम हो रहा है देखिए, दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ, इस वजह से सांस फूल रही है क्योंकि मैं सोचा कि अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक जाऊंगा, आप लोगों को फंक्शन यहाँ का दिखा के जाऊंगा। फ्रेंड्स, बॉलीवुड सिटी की जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। और देखिए टाइम क्या हो रहा है, 7:18 हो रहे हैं अभी।
तो चलिए मैडम को यहाँ से लेते हैं, लेके जाके घर पर छोड़ देते हैं, उसके बाद गाड़ी वहाँ पे रोक के अपनी साइकिल रख के अपने घर पर जाना रहेगा। अभी मैंने मैडम को कॉल कर बता दिया कि मैं आ गया हूँ बोल के। देखिए यहाँ पर छोड़ा था एक नंबर गेट के पास और मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ। अभी बस यहाँ से लेना है मैडम को, उसके बाद घर जाके छोड़ देना है। अभी मैंने कॉल कर बता दिया है कि मैं यहाँ पर इस खंभे के पास रुका हूँ या फोन के पास। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मैडम को लेके आके छोड़ दिया हूँ घर पर। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:45 हो रहे हैं अभी, और हमारे को लगभग 1.5 घंटा लग गया यहाँ पर आके पहुंचने में। मैं कितने बजे, तकरीबन 7:20 पे कुछ मैडम को वहां से लिया था, और यहाँ पे आते आते मेरे को हो गए 8:45, तकरीबन 1.5 घंटा जो है हमारे को रास्ते में लग गया। तो चलिए अभी गाड़ी को यहाँ पे रोक देता हूँ मैं, उसके बाद अपनी साइकिल ले लेके अपनी रूम पर चलते हैं। अभी साइकिल को जो है मैं बाहर निकाल रहा हूँ रूम पर जाने के लिए। ये मैंने निकाल ली अपनी साइकिल, कार को खड़ा कर दिया। कार को खड़ा करके अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल पर। और एक भाई साहब का सवाल था, 6 बजे के बाद ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद कोई ड्यूटी नहीं लगती है क्या बोल के, और ये नया रूल्स है क्या बोल के पूछा है एक भाई साहब ने। भाई साहब मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया कि मेरे को 6 बजे के बाद अगर ड्यूटी नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि मेरे को बाद में ड्यूटी नहीं लगेगी, मैं रूम पर चला जाऊंगा कार रोक के। मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि 6 बजे के बाद मेरे को ड्यूटी नहीं लगती। अभी देखिए लगभग 9 बजने को आ रहे हैं और मेरी ड्यूटी अब मैं जा रहा हूं ख़त्म कर। ऐसे ही है ना, कभी कभी ड्यूटी ज़्यादा लग जाती है, कभी जल्दी ख़त्म हो जाती है, यही बात मैं आप लोगों को बता रहा था। तो ऐसे ही आप कमेंट्स कीजिए और मेरे को भी अच्छा लगेगा आपका सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए अभी घर पर जाके देखते हैं कि घर में क्या बनाया हुआ है खाने में। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने घर के पास आके पहुंच गया हूं और साइकिल को अभी तक अंदर रोका नहीं है। घर के अंदर जाके देखा कोई दोस्त नहीं आया हुआ है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। अभी तक खाना कुछ बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को बाहर जाके खाना रहेगा। और फ्रेंड्स हाउस रनिंग पे जो भी आने के लिए सोच रहे हैं, फ्रेश के लिए और रिटर्न के लिए दोनों के लिए वीज़ा अवेलेबल है। जो कोई भी आना चाहता है, इंस्टाग्राम का आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहां पर एक वीडियो आ रही है, इसको क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से यूं ही एक नए व्लॉग में। तब तक आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानल्लाह।